नमस्कार, द न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। 19 बंगला घोटाला मामले में उद्धव ठाकरे के परिवार के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। बीजेपी नेता क्रीट सुभैया ने यह कहा है कि अब उद्धव ठाकरे के परिवार को इस घोटाले का हिसाब देना होगा। ये क्रीट सुभैया की ओर से कहा गया है। तो लगातार महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। जिस तरीके से पहले सत्ता छीनी, उसके बाद पार्टी यानी शिवसेना और शिवसेना का चुनाव चिन्ह भी उद्धव ठाकरे से छिन गया, लेकिन उसके बाद अब एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल उद्धव ठाकरे के परिवार के खिलाफ ये केस दर्ज किया गया है। बीजेपी नेता क्रीट सुभैया ने इस बारे में जानकारी देते हुए ये बताया है कि 19 बंगला घोटाला मामले में ग्राम विकास अधिकारी मुरुड संगीता ने कोलाई रेवांडा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया है और अब ठाकरे परिवार को हिसाब देना होगा। ये क्रीट सुभैया की ओर से ट्वीट करते हुए बाकायदा जानकारी दी गई है। लगातार मुश्किलें महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके परिवार के लिए बढ़ती जा रही हैं। जिस तरीके से महाराष्ट्र में शिंदे और फडणवीस की सरकार आने के बाद 19 बंगला घोटाला मामला एक बार फिर से गर्मा क्या है, एक बार फिर से शिकंजा जो है वो उद्धव ठाकरे पर कसता दिखाई दे रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के परिवार के खिलाफ 19 बंगला घोटाला मामले में रायगढ़ के कोलाई रेवांडा पुलिस स्टेशन में ये मामला दर्ज किया गया है। ये जानकारी बीजेपी नेता की ओर से दी गई है। क्रीट सुभैया ने ये बताया है कि ग्राम विकास अधिकारी मुरुड संगीता लक्ष्मण भांगरे ने कोरलाई ग्राम पंचायत के अधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी, मिलीभगत और 19 बंगलों के रिकॉर्ड में हेराफेरी करने का केस दर्ज कराया है। ये अपराध FIR नंबर 26 IPC की धारा 420, 465, 466, 468 और 34 के तहत दर्ज किया गया है। क्रीट सुभैया ने ये कहा है कि अब उद्धव ठाकरे को इसका हिसाब किताब देना होगा। ये क्रीट सुभैया ने कहा है। बीजेपी नेता क्रीट सुभैया जो लगातार उद्धव ठाकरे सरकार में जो घोटाले महाराष्ट्र में हुए हैं उसको लेकर वो लगातार महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार और उनके नेताओं पर हमलावर नजर आए हैं और इस बारे में भी क्रीट सुभैया की ओर से ही तमाम जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया है कि दरअसल महाराष्ट्र के जो CM रहे हैं उद्धव ठाकरे, उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे के अलीबाग में स्थित 19 बंगले हैं, इसमें काफी भ्रष्टाचार हुआ है। वो क्रीट सुभैया लगातार ये दावा करते रहे हैं कि ये जो बंगले हैं ये अनाधिकृत हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे और शिवसेना के नेताओं ने आरोपों से इनकार किया और मामले को पूरी तरीके से उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। ये आरोप बीजेपी नेता क्रीट सुभैया का है और उन तमाम चीजों को लेकर लगातार क्रीट सुभैया उद्धव ठाकरे सरकार पर भी हमलावर नजर आए, लेकिन उसके बाद ना सिर्फ महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की गठबंधन की सरकार बनी, बल्कि इसके अलावा जिस तरीके से हाल ही में महाराष्ट्र में बड़ा झटका उद्धव ठाकरे को लगा है, सत्ता छीनने के बाद अब पार्टी और चुनाव चिन्ह भी उद्धव ठाकरे से छिन चुका है। सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है, क्योंकि चुनाव आयोग का फैसला ही आखिरी फैसला है, ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। और इस तरीके से उद्धव ठाकरे अब अकेले पड़ चुके हैं महाराष्ट्र में, अगर कहें तो शिवसेना क्योंकि उनसे छिन चुकी है, और इस तरीके से एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। अब ये उनके परिवार के खिलाफ एक घोटाले में FIR दर्ज हुई है। ये 19 बंगला घोटाला मामला है जो एक बार फिर से गर्मा किया है, क्योंकि उद्धव ठाकरे पर ये आरोप है कि दरअसल उन्होंने 19 बंगलों के रिकॉर्ड में हेराफेरी की है और यही पूरा मामला है जिसमें केस दर्ज कराया गया है। आपको ये बता दें कि शिंदे फडणवीस की सरकार सत्ता में आने के बाद 19 बंगलों का मामला एक बार फिर से चर्चा में आया, इसकी जांच शुरू हो गई। उद्धव ठाकरे और वायकर परिवार ने यह भी कहा कि कोलाई के 19 बंगलों के घोटाले में तत्कालीन कलेक्टर निधि चौधरी और जिला पंचायत CEO किरण पाटिल ने उनकी मदद की थी। उसी समय क्रीट सुभैया ने ठाकरे और वायकर परिवार के साथ इन अधिकारियों के खिलाफ भी आपराधिक आरोप दायर कर
किए जाने की मांग की थी। यानी उद्धव ठाकरे के इस पूरे मामले में जो आरोप उद्धव ठाकरे पर लग रहे हैं उसमें बीजेपी नेता किरीट सोमैया काफी सक्रिय नजर आए हैं और उन्होंने तमाम तरह के आरोप उद्धव ठाकरे उनके परिवार पर लगाए इस 19 बंगला घोटाले को लेकर। और उस पूरे मामले में अब उद्धव ठाकरे परिवार के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, तो जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे के लिए ये बड़ा झटका है। और ये सिर्फ एक ऐसा घोटाला महाराष्ट्र में नहीं है बल्कि इसके अलावा उद्धव ठाकरे के ही जो करीबी नेता हैं अनिल परब, जिस तरीके से किरीट सोमैया ने उनके भी रिजॉर्ट को लेकर शिकायत की थी और उस पूरे मामले में भी केंद्रीय जांच एजेंसी ने जांच की। इसके अलावा फिर चाहे बात NCP नेताओं के घोटालों की जाए, जिसमें अनिल देशमुख और नवाब मलिक जैसे नाम शामिल हैं जिन पर अलग अलग घोटाले के आरोप लगे हैं, तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में ये देखने को मिला है कि खासतौर पर महाविकास अघाड़ी सरकार में बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए हैं जिसमें केंद्रीय जाँच एजेंसियों की जाँच लगातार जारी है। कई MVA के बड़े नेता इस वक्त केंद्रीय जाँच एजेंसियों की रडार पर हैं और अब ये पूरा 19 बंगले का जो घोटाला है ये पूरा मामला सामने आया है, जिसके बाद उद्धव ठाकरे और उनके परिवार के लिए खासतौर पर उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। चूंकि आरोप किरीट सोमैया ने यही लगाया है कि उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे के अलीबाग स्थित 19 बंगले हैं जिनमें काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ है और यही वजह है कि ये पूरा मामला जो है वो किरीट सोमैया ने दर्ज कराया था, जिसके बाद अब इस पूरे मामले में जो कोटलाई ग्राम पंचायत के खिलाफ FIR दर्ज हुई है और आरोप यही है कि दरअसल रश्मि ठाकरे पर अलीबाग के जंगल में 19 बंगले बनाने का आरोप लगाया गया है। ये एक तरीके से भ्रष्टाचार है और इस बार उन्होंने संबंधित विभाग में शिकायत की थी। ये FIR ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ने दर्ज करवाई है, तो मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं बढ़ती दिखाई दे रही हैं। लगातार किरीट सोमैया इस पूरे मामले को लेकर जो है उद्धव ठाकरे पर हमलावर नजर आए हैं। पूरे मामले में किरीट सोमैया ने एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए ये बताया है कि दरअसल साल 2013 से 2014 में उद्धव ठाकरे ने अन्वय नाइक से 9.5 एकड़ जमीन और 19 बंगले खरीदे थे, जिसे बाद में उन्होंने रश्मि ठाकरे यानी अपनी पत्नी के नाम पर कर दिया। और साथ ही ये भी जानकारी दी कि इस जमीन और बंगले का प्रॉपर्टी टैक्स भी साल 2013 से ही वो भर रहे हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे ने जब चुनाव लड़ा तो हलफनामे में उन्होंने जमीन का जिक्र तो किया लेकिन 19 बंगलों को नहीं दिखाया और यही वजह है कि किरीट सोमैया ये कह रहे हैं कि रिकॉर्ड में छेड़छाड़ हुई है। इस बात की शिकायत किरीट सोमैया ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और चुनाव आयोग में भी की थी, तो कहीं ना कहीं ये किरीट सोमैया की एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है, जिस तरीके से आज उनके परिवार के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, जिसकी जांच के दौरान जब उद्धव ठाकरे से इस बारे में जवाब मांगा गया तो उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए ग्राम पंचायत पर दबाव बनाया और उनके रिकॉर्ड से 19 बंगले निकलवा दिए। सोमैया ने यह भी कहा कि ये फ्रॉड है, जब साल 2008 से ये घर बने हुए थे जिनको खरीदने के सब दस्तावेज हैं, प्रॉपर्टी टैक्स की भी जो रिसिप्ट है वो है। सोमैया ने यह भी कहा कि अभी तो इस मामले में FIR दर्ज हुई है, छानबीन शुरू हुई है, जल्द ही में रश्मि ठाकरे और उद्धव ठाकरे का नाम भी सामने आएगा, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें अब काफी ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही हैं। चुनाव आयोग के झटके के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से उम्मीदों पर पानी फेर दिया, उसके बाद अब एक और बड़ा झटका उद्धव ठाकरे को लगा है। उनके परिवार के खिलाफ ये FIR 19 बंगला घोटाला मामले में दर्ज की गई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।